हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल डीबी ब्यूटी पॉइंट। मैं हूँ दिव्यांगना। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने फेशियल हेयर को कैसे नेचुरल तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो जो रेमेडी में हमने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए वो बिल्कुल नेचुरल है, बाहर से कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको इससे कोई भी हार्म नहीं होने वाला है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे लगाना है, कैसे बनाना है। उससे पहले अगर आप चैनल बनना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा कि मैं आपके लिए जो भी यूज़फुल वीडियो लेके आऊँ तो उसको आपका फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो का देख पाए। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 3 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च चाहिए और 1/2 टेबल स्पून सैंडलवुड पाउडर। अगर आपके पास सैंडलवुड पाउडर नहीं है तो आप पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड कर सकते हैं। उसको मिक्स करने के बाद हम इसमें रोज़ वाटर ऐड करेंगे। तो रोज़ वाटर इतना ऐड करेंगे कि इसका अच्छे से एक पेस्ट सा बन जाए और ये लिक्विडी फॉर्म में आ जाए। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें कोई भी हार्म नहीं होगा और ये अच्छे से हेयर को रिमूव भी कर देगा। अगर आपको लगता है ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर और ऐड करके उसको ऐसा पेस्ट आपको बनाना है। को यहाँ दूसरे कंटेनर में डाल रही हूँ, मैंने एक पतीला लिया। अब हम गैस ऑन करेंगे और इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पर रखेंगे। आपको हाई पे नहीं रखना, अगर आप हाई पे रखेंगे तो ये दाने दाने सा बन जाएगा। तो हमें दाने वाला नहीं चाहिए क्योंकि वो कोई यूज़फुल नहीं होगा। हमें इसका क्रीमी टेक्सचर चाहिए तो आपको बिल्कुल लो ही करना है, हाई पे नहीं करना है। तो आप इसको करते जाइए, बिल्कुल आप देखिए क्रीमी बन। तो ये हमें क्रीमी टेक्सचर में चाहिए तो ये बनके रेडी है। जब भी आप इसका यूज़ करें तो अपने फेस को वॉश कर लें और जहाँ भी आपको फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है आप वहाँ पर इसको लगाइए। तो मैं अपने अपर लिप्स पर लगा रही हूँ। तो आप चाहे तो अपने चिक पर, जहाँ भी आपको फेशियल हेयर है वहाँ पर इसको लगाएंगे। तो इसको आप लगा कर आपको इसको आधे घंटे रखना है, ये आधे घंटे में अच्छे से सूख जाएगा। तो आधे घंटे बाद इसको आपको निकालना है। तो देखिए आधे घंटे बाद ये अच्छे से सूख गया है। अब हम इसको निकालेंगे, आपको एक झटके में इसको नहीं निकालना है। तो इसको अगर आप एक झटके में निकालेंगे तो वो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। तो आपको इसको थोड़े थोड़े पार्ट में ही निकालना है। तो इसको लगाने के बाद मैं बहुत फनी दिख रही थी, कोई नहीं। अब आप इसको थोड़े थोड़े पार्ट में ही निकालें। अगर आप एकदम से खींच देंगे तो आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी और आप थोड़ा थोड़ा निकालेंगे तो ये अच्छे से निकल भी जाएंगे, आपके जो फेशियल हेयर है वो रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आप फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए और देखिए आपके जो फेशियल हेयर है वो रिमूव आसानी से हो जाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।